कुछ खबर चल रही है मीडिया में कि हमने हमारे भाई ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी या आम आदमी पार्टी में था, उसके फोटो चल रहे वो टोपी पहनते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 2019 के लोकसभा के इलेक्शन थे तो गांव में सब प्रत्याशी आते हैं, सब आए हुए थे और उन्होंने हमें तो कांग्रेस वाले भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, आम आदमी पार्टी के भी निर्दलीय भी आते हैं, जो भी कोई चुनाव लड़ता है वो सब आते हैं। और वो उन्होंने हमें ये टोपी ऐसे पहरा दी थी सम्मान के तौर पर। हमें तो हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम आम आदमी पार्टी में किसी पद पे हैं, ना हमारा आम आदमी पार्टी से किसी भी तरह का कोई लिंक है। ये हमें खामखा बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी से ना कपिल का कोई लिंक है, ना हमारे पिताजी कोई लिंक है, हमारे पूरे परिवार में ही कोई भी आदमी आम आदमी पार्टी के ना साथ है, ना साथ था, ना साथ रहेगा कभी। और ये हमारे पिताजी बताएंगे आपको कि आम आदमी पार्टी की वो टोपी वाली क्या बात है। मैंने वैसे ही प्रचार हो रहा था, प्रचार होने पर वैसे ही उन्होंने जबरदस्ती आकर के टोपी उड़ा दी है, भाई ये पार्टी में वो कर लो, ये कर लो, अगर हमारा कोई मैटर नहीं है आम आदमी पार्टी से, कोई हमारा कोई किसी से ताल्लुक नहीं है, ना कोई हमारा मैटर है, ना हम आम आदमी में ज्वाइन करी। और हम तो कभी ना राजनीति में आए थे, तब 2012 तक हम बीएसपी में रहे थे और बीएसपी से होने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी, मैंने राजनीति से बिल्कुल एकदम छोड़ दिया, राजनीति करनी बंद कर दी, तब से मैं नहीं गया। और जैसे चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो उस टाइम पे ये ऐसे लोग आ रहे थे, तो वहां जाकर के लोग गांव के लोग थे, ऐसी मजाक में उन्होंने जाकर के ये करा दिया, उससे मेरा कोई मैल नहीं। अभी मेरे पास चुनाव चल रहा है, यहाँ बीजेपी वाले भी आए थे, मैं तो उनको भी प्रत्याशी ढिल्लो सिंह को भी मैंने माला पहनाई है, उसको भी ऐसी बात नहीं है। मैं तो हर आदमी को करता हूँ, अगर मैं राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है इस टाइम, वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को अपने घर से भगा सकते हैं, आपके भी घर पर दुनिया आती होगी तो आप किसी को मना थोड़ी कर सकते हो। कोई को सम्मान में कुछ पहना दिया, बड़े आदमी थे वो, हमने सम्मान के तौर पर उनका अपना वो कर दिया, फिर हमने उतार दिया, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। कपिल का तो आम आदमी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक भी कोई उस पर पद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई कभी काम नहीं करा, कभी कहीं रैली में नहीं गए आम आदमी के, कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से हमें रिलेट करना, हमारी पूरी फैमिली को रिलेट करना, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत खबर छप रही है। हमारा उससे आम आदमी पार्टी से हमारा कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, ना हमारे किसी परिवार को कोई लेना देना नहीं है। हम तो आम आदमी पार्टी, हमें तो आम आदमी पार्टी के बारे में बिल्कुल कुछ कोई नॉलेज ही नहीं है, ना क्या है ना कुछ है, हमें तो कुछ नहीं पता आम आदमी पार्टी के बारे में, ना हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है। तो जो ये खबर चल रही है गलत छप रही है, हम तो वैसे ही परेशान है, इंक्वायरी में ही परेशान है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर जाना पड़ रहा है हमें, हम उसमें परेशान है। तो लोग हम तो ये कहना चाहेंगे कि सब लोग हमारा सहयोग करें और हमारे परिवार को इस उसमें करें। ये बीमार रहते हैं, हमारी मम्मी भी बीमार रहती है, पिताजी बीमार रहते हैं, ये कहाँ राजनीति कर रहे हैं, ये तो वैसे ही बीमार रहते हैं, छोड़ दिया इन्होंने सब कुछ, ये किसी पार्टी में नहीं है अब।